हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं मुद्रा। मुद्रा मींस माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो यूनिट्स। माइक्रो यूनिट्स का मतलब क्या है? माइक्रो यूनिट्स को वर्ड लिया गया है MSME से, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो यूनिट्स वे यूनिट्स हैं जिनकी नेटवर्थ 25 लाख तक होती है। सिंस अगर आपकी टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज घटाने के बाद जो आपकी नेटवर्थ है वो अगर आपकी 25 लाख तक है तो आप माइक्रो यूनिट्स के अंदर कवर किए जाएंगे। इसमें माइक्रो यूनिट्स में इस कारण मुद्रा के अंतर्गत इन माइक्रो यूनिट्स को कवर किया गया है। जैसे हम देखते हैं कि छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, जैसे कि कोई बार्बर हुआ या फिर कोई शॉपकीपर जो छोटा बिजनेस छोटे लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ रुपए का फंड प्रोवाइड किया है। इसमें इंटरेस्ट रेट आपकी बेस रेट के ऊपर डिपेंड करती है। हर बैंक की बेस रेट अलग अलग होती है। जैसे मोस्टली बात करें ICICI की, उसकी ICICI की बेस रेट है 10%। इस तरह से अगर आप इसमें तीन लोनों को बांटा गया है। पहला है सबसे पहले शिशु, जिसमें 50,000 तक का लोन दिया जाएगा। यह लोन ढक्की लगाने वाले जो भी छोटे रेडी चलाने वाले जो बंदे हैं उनको दिया जाएगा। सेकेंड है किशोर, जिसमें 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। तीसरा है तरुण, जिसमें 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर बात करते हैं, अगर आप छोटे शिशु के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें सिंपल 1 पेज का फॉर्म है, उसमें अपने ID प्रूफ लगाकर अपना ये शिशु लोन ले सकते हैं। बाकी बात करते हैं किशोर और तरुण के केस में। किशोर और तरुण के लिए आपको निम्न मोस्टली दिस डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपनी आइडियाज़ की ज़रूरत होगी। आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिएगी जो आपको मुद्रा की वेबसाइट से अवेलेबल हो जाएगी। और आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसमें रजिस्ट्रेशन में आपके पास 10 नंबर हो सकता है, या शॉप एक्ट का लाइसेंस हो सकता है, या आपके पास सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट कि आपके इसमें एलिजिबिलिटी कि एलिजिबल पर्सन कौन होगा। अगर आप न्यू एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप नया बिजनेस लगाने जा रहे हैं, तो आप फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास ID प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, कैंसिल चेक लगेगा, एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगेगा। अगर आपकी प्रमाइजेस रेंट पे है तो आपको रेंट की एक अपनी रेंट डीड तैयार करवा के उसमें बैंक को सबमिट करनी पड़ेगी। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपका बैंक स्टेटमेंट, अगर आप एग्जिस्टिंग यूनिट हैं और लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो अपने करंट अकाउंट की 6 मंथ की आपको स्टेटमेंट सबमिट करवानी होगी। बाकी अगर आप नए एंटरप्रेन्योर हैं तो एज पर बैंक की रिक्वायरमेंट। मोस्टली क्या हो रहा है कि जो भी बैंक इंटरेस्ट रेट है वो बैंक वाइज डिफर कर रही है। मीन्स हर बैंक की इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है मोस्टली, लेकिन सबकी इंटरेस्ट 10 से 11% के बीच में आ रही है। तो मोस्टली सारे इंटरेस्ट जितना भी लोन है आपका ये बेस रेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब आगे बात करते हैं हम इसमें लोन किन किन तरह से मिलेगा। जैसे आप जब मुद्रा का अगर आप फॉर्म डाउनलोड करें अपनी मुद्रा की वेबसाइट से, तो इसमें लोन के लिए 3 तरह के लोन में बांटा गया है। एक है आपके लिए ODI, एक CC और एक टर्म लोन। ODI मीन्स ओवरड्राफ्ट स्कीम, CC मतलब कैश क्रेडिट, एंड टर्म लोन मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एक बड़ा अमाउंट में आपको एक लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। अच्छा, इसमें आप फॉर्म में देखेंगे कि आपको एक प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में फॉर्म में एक पोजिशन मांगा पॉइंट मांगा जा रहा है। तो प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होगी? प्राइमरी सिक्योरिटी आपकी होगी उसमें कि आपकी जो आप जो लोन से आप जो भी मशीन खरीद रहे हैं, स्टॉक खरीद रहे हैं, वो आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी मानी जाएगी। बाकी जो भी अपनी इंफॉर्मेशन है मुद्रा के अगेंस्ट में, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको सारे बता दिए गए हैं। बाकी अगर लास्ट में बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, आप चाहें तो दिस एक इंटरेस्ट रेट का एक एग्जाम्पल अपने सामने देख सकते हैं। आप चाहें तो इस इंटरेस्ट रेट को आप कॉपी कर सकते हैं। दिस इज आई थिंक आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ। अक्टू अगर आप सपोज कीजिए 50,000 तक का लोन लेते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा का। जैसे आप 50,000 तक का लोन लेंगे और माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, तो आपको बेस रेट पर ही आपको अपना लोन मिल जाएगा। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा की जो बेस रेट है वो 10.25 है। तो आप मतलब कि आप माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं तो आपको 10.25 पे ये लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं जैसे कि आप 50,000 से ज़्यादा लेकिन 2 लाख तक का लोन लेंगे, तो आप माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए बेस रेट प्लस 0.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये मुद्रा लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। द लास्ट इज अगर आपका लोन 2 लाख को एक्सीड करता है बट 10 लाख तक है, तो आप बेस रेट प्लस 1% पे आपको ये लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बाकी आप जो भी इंफॉर्मेशन है आप मेरे
यूट्यूब पेज पर क्वेश्चन के आंसर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।